और फिलहाल अभी ये देख लेते हैं कि कौन सी मूर्ति कहाँ जा रही है। एक मूर्ति बनकर जो कि तैयार बिल्कुल श्रृंगार से तैयार हो चुकी है, और ये मूर्ति कहाँ जा रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ के भक्त लोग आए हैं लेने के लिए मूर्ति महाराष्ट्र अकोला से, तो चलिए देख लेते हैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं यह है प्रतिमा। ये भैया जो आए हैं महाराष्ट्र नागपुर से, अमरावती से, तो काफ़ी दूर से आए हैं ये, और इन्होंने बहुत समय पहले बुकिंग किया था। अब जाके इनकी मूर्ति बनकर तैयार है और ये लेकर जा रहे हैं। हाँ तो भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है भैया। और प्रतिमा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी भैया। आने में कोई परेशानी हुई आपको? नहीं, 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 नहीं। तो मतलब आने वाले साल के लिए बुकिंग है आपकी? हाँ हाँ। चलो जोर से बोल लो, जय माता दी, सारे बोल लो जय माता दी। तो आप लोग देख सकते हैं अमरावती नागपुर से आए ये लोग, और पीछे भी मैं आ गया हूँ, यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। मूर्तियाँ बन रही हैं, अभी काम जोरों पर है। और अमरावती नागपुर महाराष्ट्र काफी दूर होता है। कहाँ जा रही मूर्ति? महाराष्ट्र बोलो ना।
कहाँ से आए आप लोग? मैं अमरावती। अमरावती? अमरावती परतवाड़ा। अच्छा, और कैसे लेके जाओगे काय में? तो आयशर गाड़ी है, बड़ा ट्रक है हमारा। अच्छा, ट्रक से ले जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी प्रतिमा? और यही है वो शख्स महान जो मूर्ति को पूरी साज सज्जा करते हैं। श्रृंगार इन्हीं के द्वारा किया जाता है और काफ़ी सुंदर श्रृंगार इनके द्वारा किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी मनमोहक प्रतिमा दिख रही है। और चलो आगे और भी दिखाते हैं आपको। ऊपर करना भैया। चल भैया थोड़ा सा बाहर ये रहा वाला।